डी okay, तो हर्ट नहीं करना अगर मैं उसको और आप सारी नहीं, की नहीं, को हर्ट मैं समझ रहा हूँ बट वो सिचुएशन हाँ, कैसी थी वो सिचुएशन ये थी की ये बहुत ही डाउन हो गया था ये इसका मुंह इतना सा हो गया था मैं इसको बूस्ट आपकी मैं चीजें समझ रहा हूँ आपने जो, जो चीजें बोली सब सही है मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट बात क्या थी? मेरे को ये एक चीज मेरे को इसलिए बोलनी पड़ी थी क्योंकि मैं चाहता था कि ये गेम में वापस आए ये बहुत डाउन हो गया था दो तीन हफ्तों के लिए तो मैंने बोला कोई बात नहीं जो चीजें हो गई वो कोई बात नहीं हर कोई कर देता है कई कई बार वो चीज हाँ मैं वही बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत है बट मेरे को उसको उस चीज मेरे को उसमें उस चीज को उठाना था कि एक बार निकल आ उसके बारे में उस पर बाद में बात करेंगे अभी तू पे है तो और वक्त जाया ना करके उस चीज़ को नॉर्मल लेके आगे बढ़ने की ट्राई कर अब तुझसे गलती हो चुकी है तो उसको मेरे को सहलाना था फुसलाना था कि कोई बात नहीं हो गया हो गया ओब्वियसली उसने इतनी बड़ी गलती करी है मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ हाँ जी हाँ नहीं 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 वो मैंने पंजाबी मुंडा क्या बोला मैंने मैं, मेरे कहने का वही मतलब था प्लीज समझिए क्या हो गया जो हम कहना चाह रहे हैं जो हम कहना तो तो चाह रहे हैं वो ये है आप बात सुन लीजिए हम कहना चाह रहे हैं आप जैसे यहाँ पे भी मुनोवर को जो आप बोल रहे हैं ना ऐसा लग रहा है के साथ गलत हो गया

काफ़ी हद तक मैंने उस चीज़ के बारे में कभी बात भी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलतियां करी हैं और वो बहुत गलत है मुनावर भी अपनी जगह पे गलत है बट अगर उस चीज़ को हमें उस चीज को सोच के हम इतना डाउन फील कर रहे हैं तो मेरे इसको उठाने का वही मतलब था कि तू इतना गलती करी है तो कोई बात नहीं उसको करके उससे आगे बढ़, बट अगर गलती करी है तो कुछ कह नहीं सकते बट मेरे को उसको बूस्ट करना था उस चीज से निकालना था क्योंकि जब मेरे पे वो एलिगेशन लगे थे अग्रेसिव वाले तो मैं भीशन थे क्या आप खुद जी जी मैं मानता हूँ वही जो मैंने एलिगेशन का मतलब क्या होता है हाँ तो आरोप ही हो गया ना तो आरोप लगे थे मुझ नहीं तो, वो सच था ना मुझे हाँ, आरोप जो सच आरोप था वो जो मुझ मुझे पे लगा था <laughs> उस चीज से ओवरकम करने के लिए भी मैंने यही सोचा था कि कोई बात नहीं अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ उस चीज के बारे में मैं बाहर जाके इस चीज़ पे सोचूंगा अभी जो पास्ट में हो गया जो गलती होगी उसको सोच सोच के अपने आप को डाउन फील करवाना इस घर में वो अच्छा नहीं है वही चीज मैं इसको समझाना चाह रहा था क्योंकि मैं उस सिचुएशन से निकला था मैं इसको प्राउड फील कभी नहीं करवाता मैं हमेशा इसको ही बोलता हूँ गलत है मैं भी गलत हूँ मैंने भी गलतियां ही करी सीखा उससे कुछ उन गलतियों से अभी उसके बाद तो मेरा कोई वैसा चलिए अभी मैंने मैं... सीखा ही है कि है। कि कुछ नहीं करना तो so, मेरा सवाल विकी आपसे था जैसे जब आप आए थे आप डिफेंड भी कर रहे हैं बहुत सारे लोगों ने उस मुद्दे पे बात भी करी है जब आप आए थे ग्रीन फ्लैग हस्बैंड अगर आपको याद होगा सब लोग कहते थे आपको बाहर ना अभी आप कम्पलीटली रेड फ्लैग हस्बैंड दिख रहे हैं बिकॉज आपकी वाइफ सबसे ज्यादा आपकी वजह से हर्ट हुई सबसे ज्यादा आपकी वजह से रोई ये शो में आप उसको समझने के बजाय उसकी कमियाँ गिराते दिखते हो और सबसे जो खराब चीज़ मुझे लगती है एहसान जो आप लादते हो कि मैंने ये किया मैंने वो किया फाइनेंशियली सपोर्ट किया इमोशनली सपोर्ट किया अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बीवी के लिए तो कर रहे थे ना जी। उसकी वजह से आपको भी तो कुछ का, काफी फायदे हुए ये नेम फेम ये प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं अंकिता की वजह से वो क्रेडिट देते हुए आप नहीं दिखे नहीं, थैंक यू बोला मैंने हमेशा मैं उसके लिए उसको मैंने बोला उसको ही यहाँ पे आया हुआ और मैंने खुद ही बिग बॉस के मंच पे ये चीज़ कही थी कि मुझे हमेशा अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से जाना गया है ये बताने में मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी चीज़ है इज़ जस्ट दैट मैम हम दोनों ने जब रिलेशनशिप पाँच साल से शुरू किया था और जिस तरह से हम दोनों प्रोसीड करते 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 यहाँ पे आए डेफिनेटली शो में आने के बाद मुझे कुछ आ, मुझे भी कुछ बदलाव अंकिता के बिहेवियर में अचानक से नजर आए जो जैसे? पहले कभी नहीं थे इंडिविजुअल में जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं तो हम पहले जिस तरह से बातचीतों करके सुलझा लेते थे अब वो चीज़ें बहुत एग्रीवेट होती गई तो शायद ये सवाल जवाब सवाल जवाब हम दोनों की तरफ से होते गए उस सवाल जवाब जो हम शायद एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ कर रहे थे उसमें आज बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई हुई है अगर मैं उसमें ऐसा दिख रहा हूँ तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा रोज खेद है कि मैं ऐसा क्यों इट्स नॉट दैट आई एक्सेप्टेड दैट आई कुड हैव बीन पोलाइट आई कुड हैव बीन मोर सेंसिटिव टू वर्ड्स हर जो मैं नहीं रहा हूँ बट आई एम श्योर हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी में बहुत समय मिलेगा जब मैं इन सब चीज़ों को मेकअप कर पाऊंगा एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग सॉरी अबाउट इट जहाँ पे मैं लैक किया गया हूँ हमेशा Good. अंकिता आपने जैसे बोला शो में ना कि मैं आ, आप सभी लोगों को पहली बार तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप फिनाले तक पहुंच चुके हैं विशाल शर्मा एवीपी न्यूज सास बहुत साजिश से <coughs> तो पहला मेरा सवाल है अंकिता से अंकिता जैसे कि आप लोग जब आप जब शो में आई थी तो आपने ये कहा था कि मैं तो टीवी की हूँ मेरी टीवी के फैंस में बहुत सपोर्ट करेंगे लेकिन जब आप लोग यही शो करने बाहर निकलते तो आप लोग ये बोलते हो मीडिया में कि अपने मैनेजर को ये मुझे टी वी कोई रिपोर्टर नहीं चाहिए मुझे बॉलीवुड के लुक चाहिए तो ये आप लोग का दोगलापन है या मौका परस हम बोलेंगे आप लोग को तो? इस बात के मैंने आज तक जब आप लोग बॉलीवुड में चले आता तो आप लोग मैंने कब बोला है आपके मैनेजर आपके प्यार बोलते हैं yes. वो गलत बोल रहे हैं फिर मैंने मेरा मैं खुद टीवी की बच्ची हूँ मैंने हमेशा मैं फिल्म्स में भी गई हूँ तभी मैंने ये चीज बोली फिर ये है आ। मैंने कभी एक सेकेंड मेरे लिए आज भी टीवी वी प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट रखता है ये मैं कह रही हूं जब मैंने मूवीज भी की मैंने जितने पी आर किए मूवीज के मैंने बोला आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर क्योंकि मैं जो सीखी हूँ इस मंच पर सीखी हूं और मैं कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती मैं डंके की चोट पर ये मैंने घर पर भी कहा है येस yes, मेरा टीवी मायका है और फिल्म इंडस्ट्री जहां मैंने नया नया कदम रखा है मुझे वहां जमाना पड़ेगा वो मेरा ससुराल है मेरा मतलब ये था लेकिन मुझे अगर मेरी पी आर टीम अगर ये बोल रही तो मैं आप लोगों से

आपके तीन तीन गर्लफ्रेंड है दो दो गर्लफ्रेंड है आ, जो भी है ईशा मनोवर की है यार आपको कुछ पता और है। आप तो ईशा के पीछे सुनिए अभिषेक आप ईशा के पीछे इतने पागल हो गए तो आपका पागल पंथ भी शो में दिख रहा है पागलपन क्या ईशा को लेके मनोवर आप भी प्लीज बताएंगे जी छवि बिगाड़ने बनाने में वही बोल रहा हूँ बिगाड़ने कोई नहीं आता है ये क्वेश्चन साउंड बहुत इंटरेस्टिंग करता है लेकिन बहुत ही डम्प भी साउंड करता है सेम टाइम कि आप कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में अपना नुकसान करने के लिए नहीं करते हो बट यही बात है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो में आए हो कि जहाँ पे आप रियल हो आप रियल पर्सनालिटी हो बट यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें भी यहाँ पर आ जाए वैसे चांसेस है क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं तो उस वजह से जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं एज अ सेलिब्रिटी और एज अ स्टार Uh, आपको भी पता है uh, हर एक ने कहीं ना कहीं फेस करी है उससे कोई बचा नहीं है बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी है कहीं ना कहीं इस चीज़ों से गुजरते हैं इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि हर वक्त उन पर नज़रें रहती है हर एक्शन पे उनके लोगों के रिएक्शन रहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ सामने आई है जैसे मैंने बोला दिस इज़ समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ डेफिनेटली बट मैं उस चीज़ को बस सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ वही कहते हैं कि भाई मेहनत लगेगी इस चीज़ के लिए और हिम्मत दिखानी है बेशर्मी और हिम्मत के बीच में ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है तो मेरी बेशर्मी आधे लोगों को हिम्मत लग सकती है और मेरी हिम्मत आधे लोगों को बेशर्मी लग सकती है तो मैं जब स्टेज पर खड़ा हूँ ना तो मुझे बस इतने लोग ही दिखेंगे पीछे वालों को नहीं देख पा वो नहीं देख पाएंगे कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं ये वन डिग्री के लिए मेहनत करूँगा बाकी की जो वन डिग्री है ना वो शायद मुझे ना समझ पाए बट मैं इनको नहीं खोना चाहता यू uh, नो you know, इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आए हैं तो अपनी छवि बिगाड़ने तो नहीं आए होंगे क्योंकि जो छवि जो अहमियत uh, हम एक दूसरे के लिए लेकर आए थे वो हमेशा बरकरार रहेगी येस yes, इस घर में शायद हमने एक दूसरे को अलग तरीके से जाना ज़रूर है लेकिन दुनिया को ये दिखाना कि हम झगड़ रहे हैं या यू uh, नो you know, एक मैसेज जाना जिसमें हम शायद इंस्पायर नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन uh, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद यू नो कपल्स में होती हैं और यही हमारी असलियत है जो हम दिखा पा रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं हमारी छवि बिगड़ I think जो होते हैं, उसके बाद जितने you know, भी बढ़ते हैं नहीं बैठते हैं और उसको इतना सॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं तो आई थिंक बिग बॉस में आके हम सबने कहीं ना कहीं ये चीजें अपने बारे में भी जानी है कि शायद हम ऐसे भी हैं बट जो हम बाहर है वो हम यहाँ पर भी हैं और यहाँ कुछ और निकल कर आ रहे हैं तो अस हेलो एवरीवान माई माई नीम इज़ राज दीक्षित आई एम फ्रॉम स्टार स्टेशन राज हाय अंकिता ओके अभिषेक आपसे मेरा सवाल है और मैं चाहूँगा अरुण भाई अगर आप चाहें तो इसमें अपना पक्ष रख सकते हैं तहलकान uh, यहाँ पे जब थे आपको हंसी आए आप समझ गए होंगे क्या है uh, आप उनने उन्होंने आपका गिरेवान पकड़ा जब वो जाने लगे आप रोए आपने आप गिड़गिड़ाए जब आपको पोक किया गया आपने चांटा मारा आप बाहर गए आपको नहीं लगता है एज अ डिग्निफाइड मैन आपको बिग बॉस को बोलना चाहिए था कि मैं डिजर्व करता हूं बाहर जा रहा क्योंकि अगर आप बाहर जाते तो कोई एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट इस घर में अभी भी होता आ, जी तो मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूं तभी मैं यहां पे हूं अगर मेकर्स बिग बॉस सलमान तो फिर आप सबसे माफी क्यों मांग रहे थे क्योंकि वो गलती हो गई मुझसे और जो कि सलमान सर ने भी बताया वीकेंड के वार पे कि वो एक्शन नहीं था वो रिएक्शन था अगर मैं... तो तहलका की गलती ये थी कि उन्होंने माफी नहीं मांगी तहलका तहलका की भाई की गलती ये थी कि जब मेरी और अरुण भाई की लड़ाई हुई उसके एक डेढ़ घंटे के बाद मैं बाहर आया और मेरी कोई तहलका भाई से बात भी नहीं कुछ भी नहीं हुई मैं जाके सोफे पे बैठ गया तहलका भाई डायरेक्ट आए उन्होंने मेरा सेब छीना मेरे को ऐसे ऐसे किया जबकि मेरी उनसे कोई बात भी नहीं थी मेरी बात थी अरुण भाई से ना कि तहलका भाई से और वो बात कब की थी एक डेढ़ घंटे के बाद ये भी नहीं कि उसी टाइम आपने वो चीज़ें कर दी मैं वॉशरूम से फ्रेश होके ब्रश करके मुंह धो के क्रीम क्रूम लगा के सेब खाता हुआ बाहर आ रहा हूँ और वहाँ पे बैठ के आप वो चीज़ कर रहे हो और मैंने कभी भी सब सभी यहीं मैंने एक बार भी नहीं बोला मैंने एक बार भी ये नहीं